नमस्कार दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार सब जगह कर्क राशि सिर्फ यह ना करें, कर्क राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन हैं इनको एक ही एडवाइस दी जाएगी, खास करके भाई उनको कौन सी चीज़ न करनी चाहिए जो उनको नुकसान होती है, कर्क राशि वाले को कौन सी चीज़ से दोष लगता है, ये कुंडली में ऐसी कौन सी चीज़ करने से इनके ग्रह प्लैनेट थोड़े वीक हो जाते हैं। तो देखते हैं कि भाई कर्क राशि की यहाँ मैंने कुंडली ड्रॉ की है, और जैसे मैंने बताया कि लग्न में ही हमेशा कर्क राशि वालों का चंद्र रहता है और मंगल इनका बैठा हुआ है सिंह राशि का, गुरु कैसा है कन्या राशि का, और सूर्य बुध बैठा है पंचम स्थान में और शनि बैठा है सप्तम स्थान में। शनि की जब भी नज़र चंद्र के ऊपर पड़ेगी, एक तो वो क्या होता है कि शनि एक पाप ग्रह बोला जाता है, शनि के अंदर एक यमराज के वो भाई गिने जाते हैं, उनके अंदर एक यम का स्वरूप होता है, मतलब वो शनि महाराज का जो स्वरूप है वो क्या है कि भाई ज़्यादातर वो जहाँ भी देखते हैं तो वो चीज़ को वो नष्ट कर देते हैं, मतलब वो चीज़ को ग्रहण लग जाता है। और ख़ास करके चंद्र शनि के ऑपोजिट रहते हैं, मतलब उनके दुश्मन रहते हैं, एनिमीज रहते हैं। जब भी चंद्र शनि के सामने आते हैं तो चंद्र की जो कला है, चंद्र की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए कर्क राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको ऐसा बोला जाएगा कि आपको थोड़ी जो आपकी मदर है वो मदर से आपको रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। मदर आपकी दूर है तो फिर भी उनको आपको कहीं ना कहीं उनको हैरेसमेंट आपकी तरफ से नहीं रहे उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र आखिर प्रतीक होता है माँ का। इसलिए शनि जब भी चंद्र की पकड़ में होगा या नहीं भी होगा तो भी कर्क राशि वाले को माँ से थोड़ा लगाव रखना चाहिए, माँ को थोड़े अपने हिसाब से प्रिय रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। और जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनको एक ही मैं ये एडवाइस तो है ही, लेकिन दूसरे एक आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको हमेशा पानी का सेवन करना चाहिए। पानी जितना पियोगे तो आपकी कुंडली में जितने भी दोष है पानी मतलब विक जो ग्रह है उसमें काफ़ी फेरफार होगा, काफ़ी हेरफेर आपको नज़र आएगी। इसलिए पानी का आप ज़्यादा प्रयोग करें और आप जहाँ भी बैठे हैं उसके नज़दीक पानी रखें। ये जो व्यक्ति पर्सन है इन्होंने हमें बहुत टाइम से कंसर्न किया है, लेकिन हमने दो तीन उनको ऐसी रेमेडीज़ बताई हैं जिनके हिसाब से उनको काफ़ी राहत हुई है। एक तो समझो कर्क राशि है इनकी और शनि इनका चंद्र की पकड़ में है, इसलिए कर्क राशि वाले को अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको माँ से रिलेशन बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि चंद्र आखिर माँ का करप है और आपकी कुंडली में राशि का स्वामी है और इनकी कुंडली में शनि चंद्र की पकड़ में है। इसलिए इनका काफ़ी माँ से रिलेशन बिगड़ गया था, लेकिन हमारी एडवाइस से हमारी सलाह से उन्होंने फिर से माँ से रिलेशन बांधा है तो इनकी कुंडली में काफ़ी हेरफेर आया है, उनकी कुंडली में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया है। इसलिए कर्क राशि वाले को माँ से कभी संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए और पानी का इनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी जब तक बने तब तक उनको पानी का सेविंग करना चाहिए, मतलब पानी से खोटा आपको बिगाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे कई वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।